यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं सोनीपत स्वास्थ्य विभाग की ओर से नेशनल हाईवे नंबर 1 पर स्थित टीडीआई सिटी का दौरा किया गया, जहां उन्होंने बेसमेंट और अन्य स्थानों पर पानी का सैंपल लिए और इस पानी में डेंगू और मलेरिया का लार्वा मिला है। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मैनेजमेंट कंपनी को नोटिस जारी कर पानी की सप्लाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चालान भी किया है। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किंग्सबरी अपार्टमेंट्स का दौरा किया। यहाँ पे बेसमेंट में कई जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे हमने डेंगू और मलेरिया का लार्वा हमें प्राप्त हुआ है। हमने पीने के पानी के जहाँ से सप्लाई आती है टैंकी से, वहाँ का भी सैंपल लिया, जिसको हम ऊपर जांच के लिए भेज देंगे। टीडीआई का जो केंद्र मैनेजमेंट है इनका, उसको हमने नोटिस जारी कर दिया है कि एक हफ्ते के समय में वो ये सारे कार्य सुधार लें। और जिस ब्लॉक में हमें लार्वा मिला है उसके लिए हमने इनको चालान भी किया है।